मैं और मेरी बेटी पिछले 13 सालों से इन बच्चों की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे घर में मेरी मॉम और मेरे पापा की जब डेथ भी हो गई थी तो भी इनकी फीडिंग और इनका ट्रीटमेंट और इनका देखभाल कभी रुकी नहीं। हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, ये सच है, बट हमारे पास प्यार बहुत है, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमारे पास एक डॉग है सोनी। मतलब ऐसी भी क्रुएलिटी होती है सड़क पे, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जिंदा है फिर भी उसके ऊपर से लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कईयों के ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं, किसी की टांगे भी तोड़ देते हैं। कि जो बाहर इन्होंने बहुत सफ़र किया है तो उससे उनको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए हम जितना अपना पूरा दे सकते हैं 100%, उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। 365 डेज, चाहे वो तूफानी आए या बारिश से भरपूर हो, तो इनका फीडिंग उनका खाना हमेशा बनता रहता है। मैं भी कभी ना रहूँ दुनिया में तो इनका कुछ कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, सब हमेशा ऐसे ही चलता रहना चाहिए। यही मेरी बेटी से मैंने लिया हुआ वादा। जब हमने ये जगह ली थी तो यहाँ पर हमारे पास 37 डॉग्स थे, मगर ये हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि आप आंखें बंद नहीं कर सकते जब आपको कोई डॉग दिखाई देता है, तो वो हमारी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको उठा के लेके ही आएँ। इतने सारे बच्चों का ट्रीटमेंट और खाना देने के लिए हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए आगे आएँ और हमें डोनेट करें, ताकि हम इनकी सेवा कर सकें और इन्हें इनकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर सकें।